10 मार्च को जन्मे व्यक्ति अपने सोशल स्टेटस को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं। दूसरों को इम्प्रेस करने का गुण इनमें विद्यमान है। सौंदर्य से इन्हें गहरा लगाव है। कलात्मक वस्तुओं से प्रेम रखते हैं। चार्मिंग पर्सनैलिटी तो है ही, बात करने का अंदाज भी इनका प्रभावशाली है। एक स्टैंडर्ड स्टेटस मेंटेन करके चलते हैं लोग। अच्छे और ऊंचे पद पर आसीन लोगों से ही ये व्यवहार रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इरादों के पक्के होते हैं। एक रॉयल पर्सनैलिटी के मालिक, राजा की तरह अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आपकी बहुत स्ट्रांग होती है। पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। आप एक अच्छी सोच वाले इंसान हैं। दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। आप लोगों को सभी से प्यार और सम्मान उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा मिलता है। लोगों से काम लेना आप अच्छे से जानते हैं। फिजिकल वर्क करने की बजाय आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अपना कार्य क्षेत्र भी आप ऐसा ही चुनते हैं जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ कम से कम हो। खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। किसी भी काम को करने से पहले काफ़ी जांच परख करने के बाद ही उस काम को करना पसंद करते हैं। यात्राएं करना भी आप बेहद पसंद करते हैं। यात्राओं के जरिए आप अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने की क्षमता भी रखते हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। आप लोगों को सरकारी और ऊंचे पदों पर भी देखा जा सकता है। अगर सरकारी पद पर नहीं भी होते हैं तो प्राइवेट संस्थानों में भी अच्छे पद पर कार्य कर रहे होते हैं। व्यापार या नौकरी, हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करते हैं। आप लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं अत्यधिक सफलताएं और ऊंचा मुकाम हासिल करके ही रहते हैं। सुर्खियों में रहना आपको बहुत पसंद है। हर काम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एनर्जेटिक तो होते ही हैं। अपने इरादों के पक्के होते हैं। एक बार जो मन में डिसाइड कर लिया उसे पूरा करने की जी जान से कोशिश में लगे रहते हैं। स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं। अपना बिजनेस भी इंडिपेंडेंटली अकेले स्वतंत्र होकर चलाना पसंद करते हैं, जिसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो, क्योंकि आप लोग किसी के भी दबाव में रहकर काम नहीं कर पाते। धन के मामले में भी आप भाग्यशाली साबित होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पर आप खर्चा भी करते हैं। ईमानदार हैं। काम को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। मिलनसार होते हैं। दोस्त बहुत होते हैं आपके। बात के भी धनी हैं। लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। जिंदा दिल इंसान, खुश मिजाज, अच्छा पहनना, अच्छा खाना पीना, फैशन के हिसाब से चलना आपका पैशन है। हमेशा सच का साथ देते हैं और झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अपनी बात के पक्के होते हैं। बहुत ही केयरिंग नेचर है। रोमांटिक भी काफ़ी होते हैं। अपने प्यार को लेकर काफ़ी गंभीर होते हैं। भले ही आप ऊपर से कड़क मिजाज लगते हों, लेकिन अंदर से आप बहुत ही कोमल हृदय वाले होते हैं। आप लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि आप बाहरी दिखावा ज़्यादा करते हैं। आपके आकर्षक और रौबदार व्यक्तित्व को देखकर लोग अक्सर आपकी ओर आकर्षित भी होते हैं। आप लोगों के ज़्यादातर प्रेम विवाह देखे गए हैं। जिस तरह से आप स्वयं अपने पार्टनर के लिए लॉयल और कमिटेड रहते हैं, वैसे ही उम्मीद आप अपने पार्टनर से भी रखते हैं। रिश्तों में आप ईमानदारी रखते हैं। एक जिम्मेदार इंसान के रूप में आप निखर कर आते हैं और अपनी जिम्मेवारियों से कभी पीछे भी नहीं हटते हैं। थोड़े भावुक होते हैं और बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा भी कर लेते हैं, जिसका आप लोगों को कई बार खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। लेकिन एक बात पक्की है कि जिससे भी आप प्यार करते हैं उसका हमेशा ख्याल रखते हैं, उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों का पालन पोषण भी आप बहुत अच्छे से करते हैं। उन्हें भरपूर प्यार और समय देते हैं। आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। 10 मार्च को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 1। आप लोगों में सूर्य की एनर्जी तो शामिल है ही, साथ में शून्य की एनर्जी भी शामिल है। आप लोग सूर्य की भांति तेज चमक लिए हैं। एनर्जेटिक हैं, एक्टिव तो होंगे ही, साथ ही शून्य की वाइब्रेशन भी प्राप्त करते हैं। शून्य यानी कि ब्रह्मांड, सृष्टि की रचना। 1 से 9 तक के सारे अंग इस शून्य के भीतर समाए हैं। शून्य की अपनी एक अलग वैल्यू है, एक अपनी अलग एनर्जी है। जिसके साथ भी जुड़ता है उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। शून्य जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में आता है, ऐसा व्यक्ति ग्राउंडेड होता है, ग्राउंड टू अर्थ होता है। वो बड़ी बड़ी बातें हवा में करने वाला नहीं होता। उसके पैर हमेशा जमीन पर रहते हैं। वो बहुत प्रैक्टिकल बात करता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो। अंक 1 वालों की अपेक्षा ऐसे लोग थोड़े शांत स्वभाव लिए होते हैं, कम इगोस्टिक नेचर लिए होते हैं। 10 का ये अंक मान सम्मान, आपके आत्मविश्वास, आपकी आस्था का सूचक है। 10 का ये अंक धन का सूचक है, आपके उत्थान और पतन का भी सूचक है।
दस के इस अंक को बहुत ही शुभ अंक माना जाता है। 10 मार्च को जन्मे लोगों की सूर्य राशि होती है मीन, यानी कि पाइसिस। कुंडली में सूर्य आपकी जिस राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये हम सूर्य राशि से भलीभांति जान सकते हैं। यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी आप अपने करियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने डेस्टिनी को नंबर को देखकर, अपने भाग्यांक के अंक को देखकर चूज करें, क्योंकि हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाता है, जबकि हमारा भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई हमारी डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी। इसलिए आप सभी को अपनी सूर्य राशि और अपनी मंथ के अनुसार अपने करियर का चुनाव करना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर समस्या का समाधान 2 से 3 सेशन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 10 मार्च को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर सूर्य और गुरु का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। सूर्य आत्मा कारक ग्रह है। सूर्य हमारे तेज, बल, पराक्रम, साहस, उत्साह को दर्शाता है। सूर्य एक राजसी ग्रह है और वहीं दूसरी ओर गुरु बृहस्पति ज्ञान का, विद्या, धर्म, न्याय का प्रतीक है। गुरु हमें नीति कुशल बनाते हैं। गुरु हमारी महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं। अगर आप लोगों के सूर्य और गुरु अच्छी स्थिति में होंगे तो ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में खूब नाम कमाते हैं, उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करते हैं, रिसर्च और शोध के क्षेत्र में भी खूब नाम कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति उदार हृदय वाले होते हैं, तेजस्वी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, मन की बात स्पष्ट रूप से कहते हैं, मन में ऐसे लोग कुछ भी नहीं रखते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, कुशल राजनीतिज्ञ यानी कि पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी खूब नाम कमाते हैं। इन लोगों को अपने जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों मिलकर राजयोग का निर्माण करते हैं। ऐसा व्यक्ति सूर्य की या गुरु की महादशा में राज्य के सम्मान प्राप्त करता है, बौद्धिक क्षेत्र में मन चाहा पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन ये सफलता काफी लंबे संघर्ष के बाद ही आप लोगों को प्राप्त होती है। जीवन में कैरियर के बाद के वर्षों में ये सफलता आपको प्राप्त होती है। आप लोगों में दूसरे लोगों का मार्गदर्शन करने में, उन्हें मोटिवेट करने में, बड़े बड़े कार्य करवाने में आपको जबरदस्त क्षमता हासिल है। लोग आपसे इंप्रेस होते भी हैं और आपसे अपना काम निकलवाते भी हैं, यहाँ तक कि बुरे समय में भी आप उनका पूरा साथ देते हैं। सूर्य और गुरु दोनों ही आपस में मित्र राशि हैं, दोनों ही सात्विक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। सूर्य को पिता माना गया है और बृहस्पति को गुरु का दर्जा मिला है, अतः ऐसे व्यक्ति पर अपने पिता का, अपने गुरु का, बड़े बुजुर्गों का विशेष स्नेह और आशीर्वाद इन लोगों पर बना रहता है। और इसके विपरीत कुंडली में अगर सूर्य और गुरु की स्थिति अच्छी ना हो तो व्यक्ति को विद्या और धन प्राप्ति में काफ़ी बाधाएं आती हैं। उसका पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है, पेट में समस्या रह सकती है, जिस कारण और भी कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को बड़ों का सहयोग भी प्राप्त नहीं हो पाता, वो निम्न कर्म की ओर, बुरे कार्यों की ओर उसका झुकाव होने लगता है। ऐसे लोग अक्सर धोखाधड़ी का शिकार होते रहते हैं, कई बार तो ये मुकदमेबाजी में भी फंस जाते हैं। लाइफ में इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। परिस्थितियों से हार मानकर, निराश होकर फिर ये लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि इनमें आत्मविश्वास की कमी आने लगती है। इनके अपने ही इनके आलोचक बन जाते हैं, अपने मान सम्मान को पाने के लिए फिर ये तरस जाते हैं और लोग इन्हें समझ नहीं पाते हैं। और कई बार तो इसका उलट भी देखा जाता है। अगर कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठा हो या फिर एक्सट्रीम लेवल पर डिस्ट्रक्टिव हो, तो ऐसे लोग दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालते हैं,
धर्म के नाम पर फिर ऐसे लोग पाखंडी तक हो जाते हैं, लोगों से पैसा निकलवाने के नए नए तरीके, नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। आप लोगों को शिव जी की उपासना करनी चाहिए, सुबह सवेरे हल्दी मिला जल सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, किसी भी नए या शुभ कार्य पर जाने से पहले उनका आशीर्वाद लेकर घर से निकलें और जरूरत पड़ने पर उनसे सलाह मशवरा भी करते रहें। आप लोगों के मित्र अंक होते हैं 2, 3 और 9। 2 का अंक चंद्रमा, 3 गुरु और 9 का अंक मंगल देव का। आपके लिए समान अंक होते हैं 5 का यानी कि बुध। आपके लिए शत्रु अंक हैं 4, 6, 7 और 8। 6 का अंक शुक्र का और 8 का अंक शनिदेव का, 4 राहु और 7 का अंक केतु का। यहाँ राहु केतु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं इसलिए शत्रु माने गए हैं। आपके लिए शुभ दिन होता है रविवार और सोमवार यानी कि संडे और मंडे। आपके शुभ रंग हैं गोल्डन, तांबई, कत्थई रंग, ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर, नारंगी, येल्लोइश कलर, येल्लो और पीला और लाल रंग का मिक्स कलर। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हों, यानी कि 21 फरवरी से 27 मार्च और 21 जुलाई से 27 अगस्त के मध्य। और इस समय के बीच में अगर आपके साथी, आपके जीवन साथी का जन्म 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को पड़ता है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त 21 मार्च से 27 अप्रैल, 21 जून से 27 जुलाई, 21 अक्टूबर से 27 नवंबर और 21 नवंबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्मे लोगों के साथ आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखा जा सकता है। अगर आप इस समय के बीच में 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं तो वो भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।